लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बेटे, बिना मिले ही चले जाओगे? ठीक है भाई, हम तुम्हारे लिए सामान ही सही। तुम्हें रिश्ते पसंद नहीं, पर तुम हमारे लिए तो बेटे जैसे ही हो ना। हम तुम्हें दुआओं के सिवा और दे भी क्या सकते हैं। रास्ते के लिए रोटियां बनाई हैं, खा लेना और अपना ख्याल रखना। खाते वक्त तुम हमें याद करो ना करो, हम तुम्हें जरूर याद करेंगे। फी अमानुल्लाह। खुदा हाफिज़। बैठो ना। जी, आप बहुत अच्छे हैं। आप भी बहुत खूबसूरत हैं। अल्लाह, ऐसी बातें हमें अच्छी नहीं लगती। क्यों, आपको सच अच्छा नहीं लगता? फिर तो आपको खुदा का नाम भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो भी एक सच है। देखिए, अब बातों बातों में हमें गुनहगार बना रहे हैं। तो सच कहिए कि आज तक आपको किसी ने नहीं बताया कि आप खूबसूरत हैं? क्यों, आज तक अंधों की बस्ती में थी क्या? देखिए, कमाल है ना, मुस्कुराई आप और थकान मेरी उतर गई। इसलिए फिर चल दिए? ताकि थक कर वापस आ जाओ, आपको मुस्कुराता देखकर अपनी थकान दूर कर लो। जाना जरूरी है। ना जाऊं तो क्या करूं? यही रुक जा हमारे साथ। हवा के झोंके को आप बांधने की कोशिश कर रही हैं। मुश्किल है। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। खुदा हाफिज। सुनो, तुम जा रहे हो, रुकोगे नहीं? कुछ लोगों को उस पार ले जाना है। भगवान करे इस बार कोई हादसा ना हो, सब लोग खैरियत से पहुंच जाए। सबकी फिक्र करते हो, अपना भी ख्याल रखना। पानी की एक एक बूंद कीमती है, जाया मत करना। सब लोग एक साथ रहना, कोई बिछड़ ना जाए। चलो। अरे रिफ्यूजी, तुम रो क्यों रहे हो? स्कूल कभी गया नहीं, पर जिंदगी हर रोज एक नया सबक सिखाती है। आदमी जब बहुत खुश होता है रो देता है। छोटी छोटी बातों के लिए जान मोहम्मद के पास मत आया करो। तुम्हारा बीवी से झगड़ा हो गया तो मुखिया क्या कर लेगा? ये सब पहले जान मोहम्मद जी, बीएसएफ रघुवीर सिंह जी, आज तक नाम सुना था, आज दीदार भी हो गए। बैठिए ना, अरे चाय लेके आ जा। जी मुखिया जी, बैठिए। आप इस गांव के मुखिया हैं? मुखिया क्या जी, सेवक हूं, पता ही क्या सेवा करूं। आपका गांव बॉर्डर पर है, आपका काम है गांव को संभालना और मेरा काम है बॉर्डर को संभालना जी। इस बात से ये जाहिर है कि हमें एक दूसरे की मदद हमेशा करनी चाहिए। जी बिल्कुल, आप यकीन रखिए, मैं और गांव वाले हमेशा आपका साथ देंगे साहब। ठीक है, तो फिर ये बताइए कि सुबह जो लोग बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ आए हैं, उन्हें यहाँ कौन ले आया?
बॉर्डर पार करके? कैसी बातें कर रहे हैं, मैं ऐसे किसी इंसान को नहीं जानता। मैं आपकी बात को सच मान भी लूं, लेकिन यह नहीं मानता कि किसी की मदद के बिना वो रण पार करके इस तरफ आ सकता है। मैं जानता हूं कि मदद करने वाला इसी गांव का है। आप कहते हैं तो मैं जरूर नजर रखूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता यहां कोई ऐसा इंसान है। आपके घर में कौन है? मैं हूं और मेरी बीवी आमना है, और अरे ये मेरा बेटा शादाब, सलाम करो। उनके पत्ते सलाम कर, सलाम करो। सलाम सब। सलाम। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं सब, खेलने गया था। क्या खेलते हैं, फुटबॉल या हॉकी? अरे फुटबॉल या हॉकी, ये तो तीन पत्ती या मांग पत्ती खेलता है। जुआ खेलते हैं? नहीं साहब, अबू की बात मत मानो, ये तो मेरे पीछे पड़े रहते हैं। वो मेरा दूसरा बेटा भी आ गया। ये मेरा दूसरा बेटा है, ये मेरा बड़ा बेटा। कहाँ से आ रहे हैं? अबे ओए, तुझसे पूछ रहा हूँ कहाँ से आ रहा है। बस यहीं से। क्यों? क्योंकि तेरे जूतों पर लगी मिट्टी कुछ और कहानी बता रही है। रण पे गया था क्या? जाना पड़ता है साहब, जानवर उस तरफ भटक जाते हैं, उन्हें वापस लाना पड़ता है। क्यों भटक जाते हैं वहाँ? नमक चरने के लिए या खाड़ी का खारा पानी पीने के लिए? इतनी समझ होती तो जानवर कहलाते क्या साहब? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा बोल लेते हो तुम। जितने भोले दिखते हो उतने भोले हो नहीं तुम। आज से ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा तुम्हारा। ये तो बड़ी अच्छी बात है साहब, आज तक सिर्फ अब्बू ख्याल रखते थे, आज से आप भी रखेंगे। फिक्र मत करना, आज के बाद तुम्हारे अब्बू से भी ज्यादा ख्याल रखूंगा। कम ऑन बॉयज। हम तुम्हें लेने आए हैं। जी। तुम्हारा नाम क्या है? सलमा। सलमा, बड़ा प्यारा नाम है। अकेली हो ना? मैं जानता हूं तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है, मारे गए ना बेचारे। खैर, आज के बाद तुम अकेली नहीं हो, या यूं समझ लो कि तुम मेरे साथ रहोगी। खुदा के लिए ऐसी बातें मत कीजिए। अरे पगली, अरे हम तो तुम्हारे ही भले की बात कह रहे हैं। खाना पीना कपड़ा और फिर जिंदगी की सभी जरूरतें पूरी करने वाला कोई तो चाहिए ना। और फिर हम इतने बुरे भी नहीं है सलमा। देखो, देखो मेरी तरफ, देखो जबरदस्त। सर, आपको लड़की पसंद है? बेशक। निकाह करेंगे आप? जी। मैंने पूछा शादी करेंगे आप? शादी करने के बारे में भी सोचा नहीं है सर। तो जिस बारे में आपने सोचा है वो ख्याल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। सलमा भी किसी की बेटी है, किसी की बहन है, उसकी इज्जत बिकाव नहीं है, समझे? समझ गया सर। तो जाइए अपनी ड्यूटी कीजिए, वरना हमें भी शर्मिंदा करवाएंगे आप। सर आउट। चलो। मेरे आदमी की हरकत के लिए मैं माफी चाहता हूँ, सॉरी। बेटी, अपने आप को अकेला मत समझना, तुम पर कोई आंच नहीं आएगी। हमारे लिए जैसी नाज है ना, वैसी तुम हो। ये पाकिस्तानी अफसर कितना अच्छा आदमी है, कमजोरों की हिफाजत करता है, खुदा उसे लंबी उम्र दे। अपना रेफ्यूजी भी कितना भला है, भटके हुओं को रास्ता दिखाता है। सचमुच तुम हो या मैं ख्वाब देख रही हूँ? छू के देख लो। अरे सचमुच तुम हो, ख्वाब चुटकी काटने से नहीं चौंकते।
अच्छा ये बताओ तुम गए कब और आए कब? फासला कम हो गया है क्या? तुम जाओगी तो फासला और भी कम हो जाएगा। जिंदगी का सफर भी अजीब सफर है, सामान से भी मोहब्बत होने लगती है। जी अब्बो अम्मी देखो कौन आया है। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम कब आए? जी जब आपने देखा। सलाम। जी फिर कैसे आ गए? किसी खास काम से आए हो क्या? जी काम भी था और आप लोगों से मिलने को जी चाह तो चलाया। अच्छा किया। अरे बेगम ये थका मांदा आया होगा, कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम करो ना। मैं चाय लेकर आती हूँ। जी यहाँ भारी करीमन की दुकान है, वहाँ खजूर के गुड़ का जर्दा मिलता है, कमाल होता है चाय के साथ, ले आता हूँ। खजूर के गुड़ का जर्दा? मैंने तो कभी नहीं खाया। तुम भी चलो। मैं तो कहता हूँ हम सब लोग। नहीं मैं सबके लिए ले आता हूँ। मैं भी चलती हूँ। अबू मैं जाऊँ? जाओ पर जल्दी लौटा ना। कुछ कहा तुमने? नहीं तो फिर मैंने क्या सुना? ऐसा होता है। क्या होता है? तुम्हारे कान बजने लगे हैं। अरे वाह, कान कोई घुंघरू है जो बजने लगेंगे? तो कुछ ऐसी बात होगी जो तुम सुनना चाहती हो और मैंने कही नहीं। क्या हुआ? चलो ना। अच्छा ये बताओ तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? कोई और रेफ्यूजियों को लाए हो क्या? बस अपने आप को ले आया हूँ। झूठ। बाबा आटा तैयार है? तैयार नहीं है, अभी थोड़ा वक्त लगेगा। पूछ रही थी तुम्हें रातों को नींद आती है? है? तुम्हें रातों को नींद आती है? बिल्कुल, बच्चों की तरह सोता हूँ। छोटा बच्चा जितनी बार जागता है रोता है, है? छोटा बच्चा जितनी बार जागता है रोता है। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होता, खूब मजे की नींद सोता हूँ मैं। तुम झूठ बोलते हो। अच्छा ये बताओ तुम्हारा दिल किसी का इंतजार करता है? क्या तुम्हारा दिल किसी का इंतजार करता है? पराठे गोभी गोभी के? वाह मजाक मत करो। बताओ तुम्हारा दिल किसी का इंतजार करता है? नहीं तो तुम झूठ बोलते हो। अच्छा बाबा ये भी झूठ वो भी झूठ, तो फिर सच क्या है? क्या मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। वापस आ गया तू? क्या लिखा है? वही सोनी महिवाल लैला मजनू की कहानियां, दोनों का इस पार से उस पार जाना, एक दूसरे के लिए जान देना। मगर हमारा रिफ्यूजी किसी लैला के लिए जान नहीं देगा, चुपचाप हमारा काम करेगा बिना कोई सवाल किए। कल सुबह आ जाना, उस तरफ कपड़ों का कोई बंडल पहुंचाना है और आते वक्त वहां से बंदूकें ले आना। बंदूकें किसके लिए है? जितने कम सवाल पूछेगा मजनू की लैला उतनी महफूज रहेगी। वरना वरना क्या तल्ले है? उसे आज भी आई ना तुझे चीर कर रख दूंगा मैं। किस किस को चीरोगे? हमको चीरोगे, बीएसएफ वालों को चीरोगे और बॉर्डर के उस पार पाकिस्तानी रेंजरों को चीरोगे। चीर दो, चीर फाड़ दो हमें। अरे ऊपर वाले तेरे भी रंग न्यारे हैं।